आदर्श ग्राम भूड़दा में बिगड़े स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात। सीएचओ की मनमानी के चलते ग्रामीणों को नहीं मिल रहा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ। ग्रामीण बोले, मुख्यालय पर स्वास्थ्य अधिकारी नहीं कर रहे हैं निवास। शिवपुरी जिले के अंतिम छोर पर स्थित आदर्श ग्राम भूड़दा में इन दोनों स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात बिगड़ चुके हैं, जिसकी मुख्य वजह उप स्वास्थ्य केंद्र पर सीएचओ व एएनएम निवास न करते हुए लगातार नदारद बने रहते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला डला रहता है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। बता दें कि इन दिनों आदर्श ग्राम भूड़दा में मौसम बीमारियों सहित अन्य छोटे मोटे उपचार के लिए करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय कर वैराट स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार शिकायतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते उप स्वास्थ्य केंद्रों के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं 2 बजे के बाद के बंद हो जाता है उप स्वास्थ्य केंद्र भूड़दा। पौरी अनुभाग के आदर्श ग्राम भूड़दा में उप स्वास्थ्य केंद्र के हालात इन दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की उदासीनता के चलते बिगड़ते जा रहे हैं। बता दें कि नियमानुसार उप स्वास्थ्य केंद्र सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खोले जाते हैं, लेकिन भूड़दा उप स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधिकारी लोकेश यादव नियमों की ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते आदर्श ग्राम के ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं। गुरुवार को उप स्वास्थ्य केंद्र भूड़दा का नहीं खुला ताला। सीएमओ बोले, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नहीं बरती जाएगी कोई भी लापरवाही, जल्दी जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।